गाइस, अभी 2 घंटे के सफ़र के बाद हम, जैसा कि आप सभी को पता है, जा रहे हैं आदि बद्री के टेंपल। और अभी यहाँ पे हम पहुँचे हैं, सरस्वती उद्गम स्थल है ये। यहाँ से सरस्वती नदी स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ से हुई है, यहाँ से पानी आता है सरस्वती नदी का, सरस्वती माता का। और यहाँ से शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। यहाँ से एक धारा निकलती है जिसको काफ़ी टाइम बाद खोजा गया है। यहाँ से एक धारा निकलती है, पहाड़ों से कहीं से आती है। और यहाँ पे सरस्वती माता की एक छोटी सी मूर्ति भी पड़ी है। सो फाइनली वी आर एट आदि बद्री टेम्पल। तो गाइज, ये है आदि बद्री का मेन टेम्पल। आज संडे का दिन है इसलिए भीड़ भी काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए, सबसे बढ़िया जरूरी है हमारे पब्लिक को दिखाना पड़ेगा। पब्लिक भी दिख जाएगी। तो हमारे साथ है पंडित जी। पंडित जी, मंदिर की स्थापना कैसे हुई? देखिए, विगत वर्षों में ऐसा कोई ये नहीं, लेकिन हाँ, इतना जरूर मालूम है कि अभी यहाँ पे टूरिज्म का काम वगैरह चल रहा है, सरकार यहाँ का विकास कर रही है। तो इसमें कार्बन डेटिंग से यह पता चला है कि 5000 साल से भी पुराना मंदिर है। अपितु यहाँ कहते हैं कि एक बार जो है सो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जो है वैकुंठ में लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे, किसी कारण जो है सो नाराज होकर के यहाँ आकर के ध्यानावस्था में बैठ गए। वहाँ वैकुंठ में लक्ष्मी इनको ढूंढ रही है, जब ये नहीं मिलते हैं तो मन में नारद जी को स्मरण करती हैं। नारद जी आते हैं, नारद जी को देख कर लक्ष्मी जी प्रश्न करती हैं, कहती हैं, निर्गते नारद सुत्वा भगवान भद्र नारायण, ये नारद, आपने कहीं परमात्मा को देखा? तो नारद जी ने कहा, ब्रह्मनद्या सरस्वती आश्रम पश्चिमे तटे श्याम प्रासहिति प्रोक्तवा ऋषि नाम सर्वर्त वर्धने तास्मिन स्वाश्रमे व्यासो बद्री खंड मंडित। यानी कि नारद जी ने कहा, मातेश्वरी, जब मैं मृत्युलोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने शिवालिक तलहटियों में बहने वाली पर्वत श्रृंखलाओं में बहने वाली सरस्वती के पश्चिम तट पर एक संप्रास नामक गुफा को देखा, जहाँ से एक अलौकिक प्रकाश पुंज हमको दिखाई दिया। हम वहाँ जब गए तो हमने वहाँ क्या देखा? तो हमने देखा कि वहाँ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ध्यानावस्था में है और उनकी पूजा जो है सो व्यास जी कर रहे हैं। कहते हैं तब यहाँ लक्ष्मी आई, लक्ष्मी ने देखा कि पति का स्वरूप सूर्य के ताप से काला पड़ रहा है, तो यहाँ बदली बनकर के छाया की, इसलिए जगह का नाम पड़ा आदि बद्री। अब कहते हैं, जग्यो भई विष्णु, विष्णु भई पर्जन्य, प्राकृतिक ने 3 पुत्रों को प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते हैं कि यहाँ पालन करता जो है भगवान नारायण है, ध्यानावस्था में बैठ गए तो कहते हैं कि पृथ्वी फटने लगी, बारिश रुक गया, तो सभी देवता यहाँ, जो आपने मंदिर के अंदर विग्रह देखा बद्रीश पंचायतन का, तो कहते हैं कि यहाँ सभी देवता आए, सबने स्तुति का पाठ किया, जैसे परमात्मा ने अपने नेत्रों को खोला। कहते हैं इनके जगने के उपलक्ष्य में यहाँ यज्ञ हुआ, यज्ञ में लक्ष्मी को ढूंढा गया, जब लक्ष्मी नहीं मिली तो देवताओं ने मंत्र शक्ति से एक नई नवज्योति को प्रकट किया, जिनका नाम पड़ा मंत्रा देवी। वो सामने मंदिर है, ऊपर माता मंत्रा देवी का मंदिर ऊपर है। कहते हैं कि यहाँ पर जो है सो 4 धाम की यात्रा पूर्ण मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी कारणवश से बद्री नारायण केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री नहीं जा पाता, अगर वो यहाँ आकर के सरस्वती उद्गम स्थल बद्री नारायण केदारनाथ का जो है सो और माता मंत्रा देवी का दर्शन कर लें, तो उसे वहीं जाने का फल प्राप्त होता है। बोलिए बद्री विशाल भगवान के। सो गाइस, ये है शिव जी का मंदिर भोलेनाथ का। तो हम अभी आदि बद्री के बाद हम इस मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं भोलेनाथ के। तो लेट्स मीट देयर। इसका तो हो गया है, खुद को ये ट्रैवलर बताता है, और इससे चिड़िया नहीं चढ़ी जा रही। एक्चुअली धूप ही काफ़ी है, तो जब आए थे तब तो मौसम ठीक था, बट अभी ना मौसम थोड़ी गर्मी काफ़ी हो गई है, धूप निकल आई है और सीधा सिर पर पड़ रही है ना। तो इनसे आप हम हिस्ट्री पूछते हैं इस मंदिर की,
तो पंडित जी बताइए, इस स्थापना किसने की थी? आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। ये मंदिर भी बताते हैं ना, द्वापर युग का मंदिर है ये। अच्छा, जैसे उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ केदारनाथ जी हैं, उनसे भी पहले का मंदिर है यहाँ पे। अच्छा, इसलिए उनको आदि बद्री और इनको आदि केदारनाथ बोलते हैं आदि काल से। और ये जो शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग है, नेचुरल कुदरती अपने आप निकले हुए। ओके, तो गाइस जैसे पंडित जी ने बताया कि ये हम इसको आदि बद्री आदि केदार आदि केदार भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद ही प्रकट हुआ था शिवलिंग। तो इन्होंने बताया कि ये महाभारत काल से भी पहले का है। जैसे उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ केदारनाथ जी, उनसे पहले का मंदिर है यहाँ पे। ऐसे यहाँ भी चार धाम है, बद्रीनाथ केदारनाथ माँ मंदिरा देवी और सरस्वती उद्गम स्थान। तो गाय जो हमने पहला मंदिर दिखाया था वो था आदि बद्री, तो ये आदि केदार है। तो हम इसके बाद माँ मंदिरा देवी जाएंगे और चौथा सरस्वती उद्गम। सरस्वती उद्गम वो हमने पहले दिखा दिया है। सरस्वती उद्गम, सरस्वती कहीं दिखाई दे रहे कहीं लुप्त, लेकिन उद्गम स्थल यही पे बताते हैं, ऐसे सरस्वती प्रकट हुई है। शिवलिंग को कौन सा रूप कहेंगे? ये ज्योतिर्लिंग तो नहीं है, स्वयंभू शिवलिंग इनको बोलते हैं। भू शिवलिंग, हाँ, भू शिवलिंग। ठीक है गाइस, तो पंडित जी का आशीर्वाद लेके हम निकलते हैं अभी। हर हर महादेव। तो ये सचिन जी तो थक गए हैं, तो फिर हम पर है सारा अभी दारोमदार। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रीम क्रॉस करके हमने जाना है, तो अभी ये ब्लॉगर साहब जा रहे हैं, तो इनके पीछे पीछे चलते हैं। स्ट्रीम वैसे तो ठीक है, इतनी वो नहीं है, बट वो शूज़ आई थिंक वो भीग जाएंगे। स्ट्रीम तो ये तो भाई जंप करके जा रहा है, मेरे तो लगता है भीग जाएंगे शूज़। तो मैंने तो कैमरा भी पकड़ा है, तो मुझे थोड़ा वो ये तो चला गया, तो अब अपनी बारी है, अपन की बारी। ओ नहीं यार, राम नाल आ जाओ, हौली हौली आ जाओ, मैं तो पानी दे बिच पैर रख के आया राम नाल। तो हमने तो क्रॉस कर लिया, तो ये मामा आ रहा अभी हमारा, उसको उठा के जरूर आना, फिर इधर क्रॉस कर लो, ये गिल्ले हो ही गए। आ जा आ जा आराम से आ जा। तो गाइस हमने वो स्ट्रीम तो अभी क्रॉस कर लिया, तो अभी हम देखते हैं, तो आगे जाके आपको अपडेट देते हैं। ट्रैक करने दो हम अभी ट्रैकिंग, तो नहीं तो हम तो रात हो जाएगी। तो ये भाई रुकने को कह रहा है, तो रुक गए तो फिर तो रात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। कैमरा हमने रख लिया अंदर, ये देखिए इधर स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे जंगल के बीच। जब से ट्रैकिंग स्टार्ट की है रास्ते पे कोई नहीं मिला, जैसे कहते ना पत्ता भी नहीं हिल रहा है यहाँ पे। तो ओहो हो, तो इस टाइम मैं ग्राउंड लेवल से आप देख सकते हो, वो एकदम ना दिखाता हूँ आपको ऊपर से देखना, वो उधर हाँ यहाँ पे यह है ग्राउंड लेवल नीचे। तो हम हैं इस टाइम जितना हमने अभी कवर किया है ना, यहाँ से पीछे से जितना भी कवर किया ना उतना अभी और जाना है, मतलब उसका डबल जाना है। अभी जो ऊपर से आ रहे हैं उनसे पूछा था, काफ़ी हार्ड ट्रैकिंग है और यहाँ पे तो हवा वगैरह भी नहीं चलती बिल्कुल भी। तो अभी हमने आई थिंक 70% कर लिया रास्ता क्लियर, तो 30% रह गया है। तो आप काफ़ी मतलब ना हुमस काफ़ी है, हवा नहीं चल रही, बारिश का मौसम था। तो हमने स्टार्ट किया था वहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट की थी हमने अपनी चढ़ाई, और ये है सारा फॉरेस्ट। ये देखिए, अगर हवा चल रही होती ना मज़ा आ जाना था, बट बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुई पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। और 3:30 हो गए हैं, 4 बजने वाले हैं, पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे ऊपर, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है यार, बस हो गई मेरी तो।
ये द्वापर ही का स्थान है। 5116 वर्ष महाभारत समाप्त हुआ तो यहाँ नारायण समुद्र श्याम समाधि में लीन हुए। ये सारा सिंधु वन का क्षेत्र है, इसको सिंधु वन का नाम सिंधु वन, हाँ बदरी वन भी कहते हैं इसको। छोटे छोटे बेर के वृक्ष के रूप आप देख सकते हैं पूरे जंगल में आपको मिलेंगे, है ना। यहाँ स्वयं नारायण ने समाधि लगाई, समाधि के उपरांत सारे देवता यहाँ इकट्ठे हुए पूर्णाहुति के लिए। लक्ष्मी जी उस समय बेर के वृक्ष के रूप में उत्पन्न होकर नारायण को छाया प्रदान कर रही थी, इसलिए सारे देवताओं ने मंत्र के आवाहन से मंत्रा देवी की उत्पत्ति की, जिसने नारायण के साथ उस यज्ञ को संपन्न कराया और नारायण के ही द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके पर्वती चोटी पर विराजमान होने का आशीर्वाद पाया। सबसे लास्ट में सिंदूर लगी हुई आकृति दिख रही होगी आपको, उन्हीं की पूजा होती है यहाँ। फाइनली वी हैव रीच्ड, बट अभी जस्ट शूज उतारे थे और मेरे पैर ना काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। और जहाँ तक भी ना दूर दूर तक देखोगे, जहाँ भी दूर दूर तक देखोगे सारा जंगल ही जंगल है, सारा का सारा। तो ना मैं दिखाता हूँ आपको, हम आए हैं ना, हम आए हैं, ये आपको ये लाल घर दिख रहा है ना, जो हम इधर से आए हैं, यहाँ से चढ़ के आए हैं। और देखो अभी हम कहाँ पे हैं, हम मैं अभी यहाँ पे। हाय गाइस, तो अभी तो हमने ऊपर रेस्ट वगैरह की और अभी नीचे जाने की है पूरी हमें एनर्जी है नीचे जाने की, पर फिर भी स्लो स्लो जाएंगे, जल्दी नहीं करनी। एनर्जी ड्रिंक भी पी ली है और बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे कलरफुल बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा है। एक बार तो सोचा था कि हम आधे रास्ते से ही वापस चले जाए, पर हम अगर एक बार ट्रैकिंग शुरू कर दें फिर हम मुड़ते नहीं हैं। और ये आ रहा है बड़ा भाई पीछे, वो खड़ी चढ़ाई है यार, एकदम खड़ी चढ़ाई। और यहाँ पे मंकीज़ वगैरह बहुत है, सामान छीन के ले जाते हैं। देखिए लोगों ने ना काफ़ी गंद फैला रखा है, पैकेट वगैरह फेंक रखे, बोटल्स वगैरह फेंक रखी है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर आप आते हो किसी भी जगह पे जाते हो, ये देखो जैसे ये पैकेट, किसी भी जगह पे जाते हो ना तो हमेशा ये देखो ये पैकेट्स ऐसे ना गंद डाला हुआ है। अगर आप जाते हो ना कहीं पे तो डस्टबिन से यूज़ किया करो, ऐसे हमारा नेचर ख़राब हो रहा है उसी के कारण हमें ये सब फेस करना पड़ता है बाद में। तो जो ये करते हैं वो ना कीजिए, आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है। और बाकी तो समझदारी होंगे सारे। और जैसे कि मैंने भी अपनी बोतल हाथ में पकड़ रखी है, मैंने फेंकी नहीं है अभी तक, इसको हम डस्टबिन में ही फेंकेंगे जाके। मैंने बैग में रखी हुई थी और अभी पानी भर लिया इसमें, तो इसको ना डस्टबिन में ही फेंकेंगे। और आप जस्ट इसी बात पे व्यू चेक कीजिए और ना वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी कर दीजिए। इतनी हार्ड ट्रैकिंग करके आए हैं, एक लाइक तो बनता है आपकी तरफ से। तो अभी मैं आप सभी को बता दूं कि जिस जगह पे हम जाके आए हैं वो है सिंधु वन, और आधा हिस्सा उसका लगता है हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट सरमौर में, और आधा हिस्सा लगता है उसका हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में। तो ये काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा है। आधा हिस्सा हिमाचल को पड़ता है और आधा पड़ता है अपना यमुनानगर में। और खूबसूरती तो काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर हो मौसम बढ़िया। बाकी आपको अगर जानकारी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितनी पता थी उतनी मैंने आपको बता दी है। और व्यू तो लिट है, बस चढ़ाई करते हुए ना ट्रैकिंग करते हुए बस हो जाती है सीधी सी बात। तो गाइस फाइनली मैं नीचे पहुंच गया हूं, काफ़ी मतलब आते हुए तो ज़्यादा पता नहीं लगा, ब्रेक भी नहीं लिया ज़्यादा, और बस मैं तो नीचे पहुंच गया हूं। बाकी भाई मेरा आगे आ गया, मेरे को मिल नहीं रहा, मैं काफ़ी तेज आया हूं फिर भी नहीं मेरे को दिख रहा कहीं पे, देखते हैं गाड़ी में ना चला गया हो। और बाकी सारी फैमिली पीछे आ रही है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, वो स्लो स्लो आ रहे हैं क्योंकि तो वो खड़ा, मैं इसको ना ढूंढता आ रहा हूँ। ये उधर देखो ये पानी में मजे ले रहा है, और मैं इसको ढूंढता आ रहा हूँ कि कहाँ है। इट वॉज सच अ डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग, ठीक है करने आ रहे हो तो भाई मैं तो जीन्स में आया हूँ, देखिए मैं तो जीन्स वगैरह में आया हूँ, जीन्स में मत आना बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ट्रैकिंग पे जा रहे हैं हम, ऐसे ही अचानक से प्लान बन गया। आइए अपने खुले कपड़े डाल के आइए, निक्कर वगैरह शॉर्ट्स वगैरह लेके आइए, पजामे पजूमे, क्योंकि ना
बस तो होने वाली है, क्यों है ट्रैकिंग ना है तो बहुत कम है, बट एकदम सीधा पहाड़ है। तो अभी हम बैठे हैं इस छोटे से रिवर के किनारे, पानी तो इसमें बहुत कम है अभी, बट बहाव तेज़ है, ठीक है, ऐसे आपको पता नहीं लग रहा होगा, बट जहाँ जहाँ से है ना डाउन डाउन है थोड़ा, वहाँ से बहाव तेज़ है, जब बारिश आती होगी काफ़ी यहाँ पे भी भर जाता होगा पानी। और बस मैं तो यहीं पे वेट करूँगा सबके आने की, जैसे आएंगे तभी मैं आगे जाऊँगा। तो पैर काफ़ी ज़्यादा दुख रहे थे तो मैं तो इधर पानी में बैठ गया हूँ, और उधर आ गई है सारी फैमिली अपनी। सो गाइस हम अभी पंचमुखी मंदिर में हैं, तो अंदर मंदिर का दर्शन कर लिए, अभी सरोवर के पास बैठे हम तो चाय पी रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नए ब्लॉग में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया और नए हो तो सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी, बाय गाइस, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।